तो गाइस आप लोग देख सकते हो कि इसके अंदर आग जलना स्टार्ट हो गई है। मैं थोड़ी बोतल को हिला देता हूँ तो आप लोग देख सकते हो। वेलकम गाइस, आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि घर पर बायोगैस कैसे बनाते हैं। आप लोगों ने यूट्यूब पर कई सारी वीडियोस देखी होगी जिसके अंदर हम लोगों को बायोगैस बनाना सिखाते हैं, गोबर गैस बनाना सिखाते हैं, लेकिन हम लोग जब उस बायोगैस को घर पर बनाते हैं तो वो बायोगैस नहीं बन पाती है। तो उसके पीछे का कारण क्या है, मैं सारे टॉपिक आज क्लियर कर दूंगा। तो चलिए गाइस बनाते हैं हम लोग बायोगैस। तो गाइस हम लोग बायोगैस बनाने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ने वाली है एक खाली बोतल की, आप लोग देख सकते हो, और ये आप लोगों को घर पर इजीली फ्री में मिल जाएगी। और गाइस साथ में हमें जरूरत पड़ने वाली है एक आईवी सेट की, जो कि आप लोगों को मेडिकल स्टोर पर 5 से 10 रुपए में इजीली मिल जाएगा। तो गाइस सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले बोतल के ढक्कन पर एक होल कर लेंगे। तो गाइस आप लोग देख सकते हो कि हम लोगों ने बोतल के ढक्कन पर एक होल कर लिया है। और गाइस उसके बाद में हम लोगों को आईवी सेट को कुछ इस तरह से बोतल के ढक्कन में टाइटली डाल देना है। और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सुपर ग्लू की मदद से इस ढक्कन के यहाँ पर इसको पूरी तरह से चिपका देंगे, ताकि यहाँ से थोड़ी सी भी एयर जो है वो बाहर ना आ पाए। आप लोग देख सकते हो गाइस, अब हमें जरूरत पड़ने वाली है गोबर की। तो गाइस आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास में लगभग 2 किलो गोबर अवेलेबल है। और गाइस साथ में हमारे पास में एक कंटेनर है जिसके अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी पानी डाल रखा है, आप लोग देख सकते हो। तो गाइस अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इस पानी के अंदर हमारे पास में जो गोबर है इसको डाल देंगे। और गाइस अब हम लोग सिंपली इस गोबर को इस पानी के साथ में मिक्स कर देंगे। तो गाइस हमारा जो है गोबर का जो मिश्रण है वो तैयार हो जाएगा। और गाइस ये जो गोबर है इसको पानी के साथ में अच्छे से हम लोगों को मिक्स करना पड़ेगा। अब हमारा जो गोबर का जो मिश्रण है वो पूरी तरह से रेडी हो चुका है। तो गाइस अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इस गोबर के मिश्रण को इस बोतल के अंदर डालेंगे। तो गाइस आप लोग देख सकते हो कि हम लोगों ने बोतल को आधे से ज्यादा गोबर के मिश्रण से भर दिया है। और अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, अब हम लोग आईवी सेट लगा हुआ हमारा जो बोतल का ढक्कन है उसको लेंगे, और उसके बाद में इस ढक्कन को बोतल के ऊपर कुछ इस तरह से कस देंगे। और फुल्ली टाइट करने से पहले हम लोग बोतल के अंदर जितनी भी गैस है, जितनी भी ऑक्सीजन वगैरह है, उसको पूरी तरह से निकाल देंगे। आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से दबा करके बोतल को, और उसके बाद में हम लोग इस ढक्कन को फुल टाइट कस देंगे और आईवी सेट को भी हम लोग यहां से बंद कर देंगे। आप लोग देख सकते हो गाइस, अब हम लोग 4 से 5 दिन इंतजार करेंगे और वेट करेंगे कि हमारी जो बोतल है इसके अंदर हमारी गोबर गैस बनकर के तैयार हो जाए। तो यार गाइस हम लोगों को लगभग 4 दिन हो चुके हैं और हमारी इस बोतल के अंदर थोड़ी सी भी गैस रेडी नहीं हुई है। मैं आप लोगों को यहां से आईवी सेट खोल करके दिखा देता हूं। तो गाइस आप लोग देख सकते हो कि इस बोतल के अंदर जरा सी भी गोबर गैस बनकर के तैयार नहीं हुई है। तो गाइस आप लोगों ने यूट्यूब पर कई सारे वीडियोस देखे होंगे जिसके अंदर उन लोगों ने सेम मेथड से बहुत सारी बायोगैस बना करके आप लोगों को दिखाई होती है, लेकिन वो गैस जो होती है वो रियल के अंदर किस तरह से वो लोग बनाते हैं वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। गाइस ये है कैल्शियम कार्बाइड का स्टोन, आप लोग देख सकते हो। गाइस जब इस स्टोन को पानी के अंदर डाला जाता है तो ये जो स्टोन है ना ये एसिटिलीन गैस बनाता है जो कि फ्लेमेबल होती है। वो लोग इसी स्टोन का उपयोग करते हैं और वो लोग इस स्टोन को बोतल के अंदर डाल देते हैं, और डालने के बाद के अंदर वापस से बोतल का ढक्कन लगा देते हैं, और उसके बाद के अंदर आप लोगों को आग जला करके वो लोग दिखाते हैं। मैं आप लोगों को दिखाता हूं। तो गाइस आप लोग देख सकते हो कि इसके अंदर आग जलना स्टार्ट हो गई है। मैं थोड़ी बोतल को हिला देता हूं तो आप लोग देख सकते हो कि गाइस वो लोग कुछ इस तरह से आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, जबकि रियल के अंदर बायोगैस इस तरह से नहीं बनाई जा सकती है। तो गाइस आप लोग देख सकते हो कि कितनी ज्यादा एसिटिलीन गैस बन रही है बोतल के अंदर, जिसकी वजह से हमें आग देखने को मिल रही है। गाइस रियल में बायोगैस बनाने के लिए हमें बड़े बड़े प्लांट की जरूरत होती है। गाइस अगर इस तरह से अगर बायोगैस बनाई जा सकती तो इंडिया के अंदर लोग जो 800-900 रुपए का जो गैस का सिलेंडर होता है उसको क्यों बाय करते हैं, अगर इस तरह से अगर गोबर गैस बनाना पॉसिबल होता तो। गाइस कई टन
गोबर की मदद से सिर्फ कुछ ही किलो बायोगैस बनाई जा सकती है। आई होप गाइस आप लोग को ये वीडियो देख करके मजा आया होगा। गाइस अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, प्लस वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।